दिवंगत टेलीविजन अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने उनके असामयिक निधन के बाद अपना पहला बयान जारी किया है। उन्होंने सभी समर्थन के लिए प्रशंसकों को धन्यवाद दिया और साथ ही उनकी प्राइवेसी को बरकरार रखने की गुजारिश की। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने जारी बयान में कहा, उन सभी का हार्दिक आभार जो सिद्धार्थ की यात्रा का हिस्सा रहे और उन्हें बिना शर्त प्यार दिया है। यह निश्चित रूप से यही समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वह अब हमारे दिलों में हमेशा के लिए रहेंगे। सिद्धार्थ अपनी प्राइवेसी को बहुत तवज्जो देता था, इसलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, इस मुश्किल वक्त में हमें अकेले शोक व्यक्त करने दें। परिवार ने मुंबई पुलिस बल को उनकी संवेदनशीलता और करुणा के लिए भी धन्यवाद दिया। मुंबई पुलिस फोर्स को उनकी संवेदनशीलता और करुणा के लिए खास धन्यवाद देते हैं। वो ढाल की तरह खड़े रहे और पूरे दिन के हर क्षण में वो हमारे साथ खड़े रहकर हमें संभालते और हमारा बचाव करते रहे। आप सभी से अनुरोध है कि सिद्धार्थ को अपनी यादों और प्रार्थनाओं में रखें। ओम शांति शुक्ला परिवार। आज शाम 5 बजे सिद्धार्थ के सम्मान में प्रार्थना सभा होगी। यह उनके परिवार द्वारा आयोजित किया जा रहा है और प्रशंसक वस्तुतः इसमें शामिल हो सकते हैं। करणवीर वोहरा ने सिद्धार्थ के परिवार की ओर से आमंत्रण साझा करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया। उन्होंने लिखा, आइए आज शाम 5 बजे हमारे दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला के लिए खास प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए एक साथ आते हैं, जो उनकी माँ रीता आंटी और उनकी बहनों नीतू प्रीति और शिवानी दीदी ने आयोजित की है। सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार 3 सितंबर को ओशिवारा शमशान घाट में किया गया। सिद्धार्थ के कई सहयोगी और उनके दोस्त उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार में सिद्धार्थ की खास दोस्त शहनाज गिल भी काफी टूटी हुई नजर आई। बाबुल का आंगन छूटे ना, दिल से दिल तक और बालिका वधु जैसे शो में अपने काम के लिए पहचाने जाने वाले सिद्धार्थ बिग बॉस 13 में विजेता के रूप में सामने आए। उनके परिवार में मां रीता शुक्ला और दो बहनें हैं। INS रिपोर्ट।